हाँ जी बच्चे, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर को खत्म किया था और आज हम क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज के इस चैप्टर के। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स इस रिएक्शन के हिसाब से इनकरेक्ट है। तो आपके पास इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या कहती है, लेड ऑक्साइड कोक के साथ रिएक्ट करके लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। पहला पार्ट कहता है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। बेटा उन्होंने वर्ड यूज किया है लेड, और बेटा जो भी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जो होता है वो रिएक्टेंट साइड से होता है। तो बेटा लेड तो यहां पर है ही नहीं, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये भी गलत है बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेड ऑक्साइड और कार्बन है, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कहते हैं कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो चेक करते हैं कार्बन CO2 में आ गया बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो बेटा ये ऑक्सीडाइज है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और कहते हैं लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है बेटा क्या है, ट्रू है। तो ऑप्शन आ गया A and B are ट्रू। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि Fe2O3 Al के साथ रिएक्ट करके Al2O3 और Fe बना रहा है। तो अगर आप इसको देखोगे तो एल्यूमिनियम आयरन को हटाकर Al2O3 बना रहा है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। डिस्प्लेसमेंट। तो ये नहीं है, ये नहीं है। अगर हम इसको आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो किसकी आती है, डिस्प्लेसमेंट की आती है। डी पार्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन कहते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फाइलिंग्स। तो बेटा आयरन क्या होता है, Fe Fe सॉलिड, प्लस और इसको HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं सॉल्यूशन के साथ, तो एक्वस क्या दे देगा बेटा, Fe2। वेरी गुड, प्लस हाइड्रोजन गैस। वेरी गुड। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस बैलेंस करने के लिए हमें 2HCl के सामने 2HCl लगाना पड़ेगा। ये लगा दिया हमने HCl के आगे टू। कहते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, यस। टू कहते हैं क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, नो। फॉल्स नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा भी फॉल्स नहीं है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, ये भी फॉल्स गलत हो गया। फॉल्स ओनली ऑप्शन इज व्हाट, ए। ये फोर्थ कहते हैं व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू दैट ऑन प्रोडक्ट साइड। कहते हैं व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, टू वेरीफाई, लॉस कंजर्वेशन ऑफ वेरी गुड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
है ना, दैट इज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, तो ये आ गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन. आप कॉपी कर लीजिए ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं. तो ठीक है बेटा, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ. हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की. हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है. हाइड्रोजन गैस कहता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम. हाइड्रोजन गैस, तो बेटा हाइड्रोजन गैस क्या होता है, उसको हम लिखते हैं H2 गैस. कंबाइंस विद नाइट्रोजन गैस N2, उसको हम बेटा क्या लिखेंगे N2 गैस, टू फॉर्म अमोनिया. NH3 बेटा ये भी गैस हो गई. इसको बैलेंस कैसे करेंगे? We can put 3 in front of H2. Where 2 in front of H? And two in front of NH3. HN. ठीक है बेटा, हो गई बैलेंस. कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ये रहा H2S. बर्न्स इन एयर, एयर का मतलब बेटा O2 गैस आनी चाहिए. It will be कहते हैं to give water and sulfur dioxide. H2O plus क्या आ जाएगा? Plus SO2. Sulfur dioxide gas. इसको balance करना है बेटा. So we can put 2 in front of hydrogen and we can put 3 in front of oxygen. No. Two in front of sir, oxygen, two in front of H2O. 2 in front of H2O, if you put, तो oxygen becomes 4, तो आप यहाँ पे भी 2 लगा दोगे. And if you put 2 in front of H2S, तो हाइड्रोजन हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, पर सल्फर बैलेंस नहीं हुआ. हमको 2 यहां भी लगाना, 2 इन फ्रंट ऑफ SO2. हां, लेकिन फिर अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ. 3 O2. वेरी गुड. ये 2 की जगह ये क्या जाना चाहिए बेटा? 3 O2. ऑक्सीजन हो जाएगा बैलेंस. कहते हैं बेरियम क्लोराइड क्या होता है बेटा? फॉर्मूला बेरियम क्लोराइड का BaCl2. रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट Al2. बस SO4 ब्रैकेट Al2 SO4 whole thrice. कहते हैं gives aluminium chloride. AlCl3. Plus BaSO4. BaSO4 का वो प्रेसिपिटेट कह रहा है, तो एरो लगा दोगे नीचे. बैलेंस कैसे करोगे? सो AlCl3 के आगे 2 लगा सकते हैं. AlCl3 के आगे 2 लगा दिया, एल्यूमिनियम हो गया बैलेंस. BaSO4 के पहले 2 नहीं बेटा,
सो थ्री आएगा ऑन बोथ द साइड्स, BaCl2 के आगे भी थ्री आएगा. हाँ ठीक है. कहता पोटेशियम मेटल के सॉलिड रिएक्ट्स विद वाटर प्लस H2O KOH प्लस हाइड्रोजन गैस. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस. बैलेंस करो. वी हैव टू पुट टू इन फ्रंट ऑफ KOH एंड टू इन फ्रंट ऑफ H2O एंड K बोथ. ठीक है. अब आप फिफ्थ क्वेश्चन बेटा कॉपी कर लो एंड सिक्स्थ क्वेश्चन की बैलेंसिंग करो और फिर मुझे बताओ. मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूं. हाँ जी बेटा, तो जरा बताओ फर्स्ट में HNO3 को क्या कहते हैं. क्या होता है भाई HNO3? हाइड्रोजन नाइट्रेट. HNO3 को बेटा कहते हैं नाइट्रिक एसिड. ठीक है. CaOH होल ट्वाइस को क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड. CaNO3 होल ट्वाइस को क्या कहते हैं? कैल्शियम नाइट्रेट. कार्बन नाइट्रेट. कैल्शियम नाइट्रेट. वेरी गुड. कैल्शियम नाइट्रेट. ठीक है. और साथ में हो गया वाटर. तो बैलेंसिंग क्या आ रहा है इसका बेटा? HNO3 के आगे कुछ लग रहा है? 2HNO3 2H2O. ओके वेरी गुड. NaOH को बेटा क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड. वेरी गुड. सोडियम हाइड्रोक्साइड. H2SO4 को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट. हाइड्रोजन सल्फेट. वेरी गुड. या फिर कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड. Na2SO4 को क्या कहते हैं? सोडियम. सोडियम सल्फेट. सल्फेट. सोडियम सल्फेट. साथ में पानी. अब बताओ इसकी बैलेंसिंग क्या होगी? सो 2NO NaOH हो जाएगा और 2H2O हो जाएगा. 2H2O. NaCl क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड. AgNO3 क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट. सो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है. यस सर. सिल्वर नाइट्रेट. ये ऑलरेडी बैलेंस्ड. ओके. AgCl को बेटा क्या कहते हैं? सर सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर क्लोराइड. और NaNO3 को क्या कहते हैं? सोडियम नाइट्रेट. सोडियम नाइट्रेट. और आप कह रहे हैं ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है. ठीक है. यस सर. BaCl Cl2 को क्या कहते हैं? बेरियम. बेरियम. बेरियम क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड. H2SO4 तो क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड. BaSO4 क्या हो गया? बेरियम. बेरियम सल्फाइड. सल्फेट. और HCl क्या होता है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन क्लो. हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बैलेंस करो उसको. 2HCl. 2HCl. सर 2HCl. ओनली 2HCl. बस. यस. ठीक है बेटा. सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. CaOH होल ट्वाइस.
होल ट्वाइस सी ए ओ एच होल ट्वाइस होल ट्वाइस कहते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू जो एक गैस होता है yes. कैल्शियम कार्बोनेट सी ए सीओ थ्री सी ए सीओ थ्री ये बेटा क्या होता है सॉलिड साथ में वाटर प्लस एच टू एच टू लिक्विड यस अब आप इसको करोगे बैलेंस कैसे करोगे इसको बैलेंस सर 2H2 सर अगर हम रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है सर आई गेस 2H2 होगा नहीं बेटा हाँ रिएक्शन बैलेंस कहते हैं जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएक्शन के बाद क्या देगा जिंक नाइट्रेट Zn एंड NO होल थ्राइस फिर कहते हैं एल्यूमिनियम AL ये बेटा क्या होता है सॉलिड प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 CuCl2 एक्वस गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एक्वस साथ में कॉपर Cu ओके Cu बैलेंस नो वी हैव टू पुट 2 in front of Al and AlCl3 and 2 in front of Al and AlCl3 and AlCl3 and 3 in front of CuCl2 and 3 in front of copper. And in front of copper. Copper. ठीक है बेटा, हो गई balance. D part. इसको हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे बेरियम क्लोराइड BaCl2 BaCl2 ये हो गया एक्वस प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 K2SO4 एक्वस रिएक्ट करके क्या देगा बेरियम सल्फेट BaSO4 BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट प्लस KCl एक्वस इसको बैलेंस करो टू केसीएल और कुछ नहीं बस इतना ही आएगा कर लो बेटा कॉपी कर लो जिसने कॉपी नहीं किया तो ठीक है बेटा फिर मैं ये हटा रहा हूं और हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स 8th क्वेश्चन हां जी लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है बेटा KBr KBr
KBr, aqueous. बेरियम आयोडाइड के साथ BaI2 रिएक्ट करके क्या दे रहा है पोटेशियम आयोडाइड KI एक्वस और साथ में कह रहे हैं बेरियम ब्रोमाइड सॉलिड BaBr2 ये आ गया सॉलिड. सबसे पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा बैलेंस. बैलेंस तो कैसे करेंगे बैलेंस इसको 2KBr 2KI 2KBr 2KI. अच्छा ये किस टाइप की रिएक्शन है बेटा. डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट. वेरी गुड. तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब हम बात करते हैं बी पार्ट की. जिंक कार्बोनेट ZnCO3. हाँ ये सॉलिड होता है. वो कह रहे हैं इसको ब्रेक करके हमने क्या दिया जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ZnO+CO2. कॉम्पोजिशन रिएक्शन हो गया बेटा और ये बैलेंस्ड है. सी पार्ट कहता है हाइड्रोजन गैस H2 कंबाइंस विद क्लोरीन गैस Cl2. वेरी गुड. साथ में HCl. बैलेंस करना पड़ेगा. 2 HCl हो जाएगा. ये 2HCl हो गया और जैसा कि हमको बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन. डी पार्ट में कहता है मैग्नीशियम Mg सॉलिड. सॉलिड हो गया. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस. एक्वस क्या दे रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 एक्वस. MgCl2 aqueous plus H2 hydrogen gas. 2HCl हो जाएगा. Displacement reaction. ये 2HCl हो गया और very good. ये हो गई Displacement reaction. ठीक है भाई कर लो बेटा कॉपी फिर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की. ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 9 की कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस गिव एग्जांपल. तो बेटा जरा लिखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं. मैं डिक्टेट करा रहा हूं तो आप लिखिए. लिखो रिएक्शंस इन विच heat energy is released. Reactions in which heat energy is released. Are called एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. तो HE का मतलब हो गया हीट एनर्जी. फिर कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं. तो लिखो रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब. Reactions in which heat energy is absorbed are called
एंडोथर्मिक रिएक्शंस. फुल स्टॉप. लिखो बस इतना ही लिख दो और ये रिएक्शंस लिख लेना. तो रिएक्शन जिनके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं और यूजुअली ये हीट की फॉर्म के अंदर होती है. इसलिए मैं ये वाली नहीं लिखवा के मैं ये वाली लिखवा रहा हूं, जिंक कार्बोनेट जो अभी हमने ऊपर लिखी थी. आप हीट देंगे तो वो जिंक ऑक्साइड एंड क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ये कॉपी कर लो एग्जांपल्स और डेफिनेशंस. तो अगर आप सबने कॉपी कर लिया है तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि रेस्पिरेशन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो क्यों मानते हैं. अब इसका जवाब जो है बेटा वो ये देखिए, रेस्पिरेशन में हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोस मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस के अंदर ब्रेक डाउन करके क्या देता है, CO2 गैस, वाटर और साथ में एनर्जी देता है. किसकी फॉर्म के अंदर, ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म के अंदर बेटा. तो मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ, 6C6H12O6 प्लस 6CO2 गिव्स यू 6CO2 प्लस 6H2O, साथ में एनर्जी किस फॉर्म के अंदर, ATP. ये कब होता है बेटा, ये होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. अच्छा, जब आप ड्यूरिंग क्या करते हैं, बर्निंग या कंबशन, सर किसका, ग्लूकोज का. ऐसे ही अगर आप ग्लूकोज को हवा में ओपन एयर में बर्न करते हो तो भी वो क्या देता है बेटा, 6CO2, 6H2O और साथ में बेटा क्या देता है, हीट एनर्जी. मतलब सेम रिएक्शन है, प्रोडक्ट भी सेम है. तो बेटा इसी का मतलब ये हो गया ना कि रेस्पिरेशन जो है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ग्लूकोज को जो बर्न करते हैं तो भी वो हीट एनर्जी रिलीज करता है एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और ग्लूकोज जब हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है इनटू CO2 एंड वाटर तो भी वो हीट एनर्जी रिलीज करता है. फर्क ये है कि उसमें हीट एनर्जी रिलीज हीट की फॉर्म के अंदर होती है, रेस्पिरेशन में हीट एनर्जी रिलीज जो होती है हीट एनर्जी नहीं होती बेटा, एनर्जी रिलीज जो है वो ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म के अंदर होती है. तो जरा लिखो बेटा, लिखो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कॉमा ग्लूकोज इन आर बॉडी सेल्स, ग्लूकोज इन आर बॉडी सेल्स breaks down in presence of oxygen. Glucose in our body cells breaks down in presence of oxygen to give CO2, water gives CO2, water and releases energy in form of ATP molecules. एक बार रिपीट करना. During respiration, in our body, glucose breaks down in presence of oxygen to give CO2, water, and
एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स फुल स्टॉप. ये रिएक्शन के लिए जगह छोड़ दो ऊपर वाली रिएक्शन के लिए. अब लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ से नेक्स्ट लाइन में, सिमिलरली व्हेन ग्लूकोज इज बर्न्ड इन एयर, सिमिलरली व्हेन ग्लूकोज इज बर्न्ड इन एयर इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर वेपर एंड हीट एनर्जी. इट गिव्स सिमिलरली व्हेन ग्लूकोज इज बर्न्ड इन एयर, सिमिलरली व्हेन ग्लूकोज इज बर्न्ड इन एयर इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर अलोंग विद हीट एनर्जी फुल स्टॉप. इन बोथ द केसेस हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, देयरफॉर they are exothermic reactions. In both the cases, heat energy is released. Therefore, are called exothermic reactions. फुल स्टॉप. कॉपी कर लो रिएक्शन. हाँ जी बेटा, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा. क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं व्हाई आर डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस. जरा एक एग्जांपल लेते हैं उसके बाद बात करते हैं. बेटा कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करके बेटा क्या दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करके बेटा क्या दे देती है, वाटर. इसको बैलेंस भी कर दिया हमने. ये एग्जांपल्स बेटा किसके हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. ऐसे ही अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हीट करूंगा तो बेटा वो ब्रेक करके क्या दे देगा, कार्बन सॉलिड एंड साथ में क्या दे देगा, ऑक्सीजन गैस. और वाटर लिक्विड में अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा तो वो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस साथ में ऑक्सीजन गैस. तो बेटा अगर हम देखें रिएक्शंस एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गई, इसीलिए हम कहते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती हैं वो कॉम्बिनेशन का क्या होती हैं, ऑपोजिट होती हैं. हमने सिर्फ इनको दोनों को डिफाइन ही करना है. तो लिखो जरा इसका आंसर. लिखो ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू सिंपल सब्सटेंसेस, ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइंस टू गिव सिंगल प्रोडक्ट.
ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइंस टू गिव सिंगल प्रोडक्ट अलोंग विद रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग विद रिलीज ऑफ एनर्जी फुल स्टॉप. ये दोनों इक्वेशन के लिए कॉपी करने के लिए जगह छोड़ देना, कॉम्बिनेशन के लिए लिखी है. और फिर लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ से. सर एक बार रिपीट कर देना. बेटा मैंने कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन ही लगाई है. ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू सिंपल प्रोडक्ट्स कंबाइन टू गिव सिंगल सब्सटेंस अलोंग विद रिलीज ऑफ एनर्जी. टू सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट. टू सिंपल सब्सटेंसेस combines two simple substances combines to give a single product along with release of energy along with release of energy. Sorry, question aapne likhi hai wo bhi likhni hai. हाँ जी बेटा फुल स्टॉप. ये जो रिएक्शंस लिखी हैं दो बेटा, पहली वाली दो आप वो कॉपी करने के लिए जगह छोड़ दीजिए. और फिर लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ से. वेयर एज इन डीकंपोजिशन, वेयर एज इन डीकंपोजिशन रिएक्शन, whereas in decomposition reaction exactly opposite of combination happens. Whereas in decomposition reaction, exactly opposite happens. That is, a single compound splits into two or more. A single compound splits into two or more simpler substances by absorbing energy. Kar lo beta copy. चलो आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ. क्या कहता है वो? कहता 12th, राइट वन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस जहां पे एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और नहीं होना चाहिए बेटा, एंड इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए. तो आपको हर एक का ऐसा एक एग्जाम्पल देना है जहां पे हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी सप्लाई की गई है. तो पहला हम बात करते हैं हीट. कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, आपने देखो हीट किया, इसको कहते हैं हीट का साइन. कैल्शियम ऑक्साइड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड. दूसरी वो बात करते हैं लाइट, AgCl, आप इसके ऊपर लिख देंगे सनलाइट, तो ये आपको दे देगा Ag plus Cl, 2 Cl2, that is gas.
इलेक्ट्रिसिटी के लिए पानी वाला एग्जांपल सबसे बेस्ट है, आप उसके ऊपर क्या लिख दोगे, ईसी इलेक्ट्रिक करंट, ये हाइड्रोजन गैस दे देगा, साथ में दे देगा ऑक्सीजन गैस और 2H2O. तो कर लो कॉपी, फिर हम डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट करते हैं. हाँ जी बच्चों, तो अगर आपने कॉपी कर लिया है तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है क्वेश्चन नंबर 13. कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस. बेटा आप ऐसा कीजिए, दो कॉलम बना लीजिए, एक तरफ लिखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरी तरफ लिखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सबसे पहला जो हम डिफरेंस करने जा रहे हैं बेटा, वो होता है उनकी डेफिनेशन. तो लिखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर बना लिया तो बेटा लिखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर लिखो रिएक्शंस इन विच रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल. सर विल यू प्लीज रिपीट. रिएक्शंस इन विच a more reactive metal reactions in which a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. From its salt solution. From its salt solution. Full stop. डबल डिस्प्लेसमेंट में लिखो, डबल डिस्प्लेसमेंट में लिखो, लिखो रिएक्शंस इन विच, रिएक्शंस इन विच टू TWO टू मेटल सॉल्ट सॉल्यूशंस reactions in which two metal salt solution exchange their ions exchange their ions. ठीक है, फिर लिखो डिस्प्लेसमेंट के अंदर दूसरा पॉइंट मैंने लिख दिया बेटा आपके लिए. डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक ही सॉल्ट सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है एज अ रिएक्टेंट. इसके अंदर क्या होता है, टू
metal salt solutions are present. Two metal salt solutions are present. फिर बेटा example लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि chemistry और physics में bio में examples बहुत जरूरी आते हैं. तो आप लिख सकते हैं बेटा zinc, ठीक है, react करता है copper sulfate के साथ aqueous. To give zinc sulfate प्लस कॉपर सॉलिड. और डबल डिस्प्लेसमेंट में बेटा आप क्या लिखोगे? बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट एक्वस क्या दे देगा? बेरियम सल्फेट साथ में सोडियम क्लोराइड. कर लो बेटा कॉपी. ठीक है बेटा, ये सब हटा रहा हूं मैं. और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है क्वेश्चन नंबर 14. कहते हैं इन द रिफाइनिंग सिल्वर का रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व होती है विद द कॉपर मेटल. राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व. तो बेटा कॉपर मेटल सॉलिड हो गया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये हो गया. अब कॉपर इज मोर रिएक्टिव सिल्वर से, तो बेटा वो उसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा? कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन साथ में बना लेगा सिल्वर सॉलिड. तो आप इसको कैसे लिखेंगे? सिंस कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर कॉमा कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन along with silver metal. ठीक है, तो this is how silver is obtained during its refining. ये हो गया बेटा 14th का आंसर. 15th क्वेश्चन कहता है बेटा व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन गिविंग वन एग्जांपल. तो बेटा प्रेसिपिटेशन का भी आंसर हम यहीं पे लिख देते हैं. कैसे लिखेंगे बेटा? Double displacement reactions in which one of the salt is insoluble and
forms a precipitate is called precipitation reaction. ठीक है, अब वो उसका एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, तो बेटा वी हैव डन लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऐसी रिएक्शंस के, अभी अभी हमने एक किया था, तो बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट एक्वस बेरियम सल्फेट का बेटा वाइट प्रेसिपिटेट सोडियम साथ में बेटा सोडियम क्लोराइड, ये होगी बैलेंस रिएक्शन. कर लो बेटा कॉपी कर लो. सर मैं कर रही हूँ अभी. अच्छा बेटा कर लो कॉपी कर लो. हाँ जी बेटा, तो चलो आगे बढ़ते हैं, जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं. क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जांपल्स, बताना है आपको. तो बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एंड रिडक्शन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूवल और रिमूवल या लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन. अच्छा दो एग्जांपल्स देने हैं बेटा. सो ऑक्सीडेशन का हम लिख सकते हैं CU, तो CO2. नहीं बेटा दो इक्वेशन दे देंगे ना, CU प्लस H2O. नहीं नहीं ये नहीं आएगी. CO2 प्लस H2 हो सकता है? नहीं 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 ये नहीं आएगा. CuO प्लस H2 बेटा क्या दे देगा? Cu प्लस H2O और जिंक ऑक्साइड प्लस कोक बेटा क्या दे देगा? जिंक एंड CO. अब आप देखो यहां से यहां गए लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया रिडक्शन. यहां से यहां गए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीडेशन. ऐसे ही जिंक ऑक्साइड से जिंक पे गए लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन. और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड. तो ये वाई है. वाई बेटा क्या चीज? अरे जो आप ओ से पहले लिख रहे हो ये क्या है? ओ से पहले बेटा वाई नहीं बेटा, लॉस ऑफ है. माइनस का मतलब बेटा लॉस हो गया, प्लस का मतलब एडिशन हो गया. एडिशन ऑफ वाई नहीं है, ऑफ है बेटा वो. ठीक है ना. 17th कहता है, अ शाइनी ब्राउन कलर का एक एलिमेंट है एक्स ऑन हीटिंग एयर में बिकम्स ब्लैक इन कलर. तो शाइनी ब्राउन कलर का जो बेटा वो एलिमेंट है एक्स बेटा, वो कौन है? कॉपर. जो ब्राउन कलर का होता है और उसको हीट करने पर, अगर बेटा एयर में आप हीट करोगे तो वो किस में बदल जाएगा? ब्लैक कलर. CuO कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, नेम द एलिमेंट एक्स बेटा कौन हो गया? कॉपर. कहते हैं व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? इट प्रिवेंट्स फ्रॉम रस्टिंग. टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग. 19th कहता है,
ऑयल्स एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस, क्यों भाई? टू प्रिवेंट दी ऑक्सीडेशन, आपने रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्गी. एक मिनट, हम इसलिए करते हैं टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स सो दैट दे डू नॉट गेट रैंसिड. इसलिए हम उनको नाइट्रोजन गैस से बेटा क्या करते हैं, फ्लश करते हैं, है ना? तो इस 17 में आपने 2Cu से पहले क्या लिखा है? किसमें बेटा? 18 में. तो 17 में जो 2Cu सॉलिड लिखा आपने, 17 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर है 17. क्वेश्चन नंबर 17 में सर आपने क्या लिखा है नीचे, जिसके बाद आपने क्रॉस किया? बेटा 2Cu के नीचे ब्राउन लिखा है, उसके नीचे एक्स लिखा है. ब्राउन? हाँ जी, ब्राउन कलर का है ना, मेटल कॉपर. ओके सर, आपने 19th में एंड में क्या लिखा है गेट के बाद? 19th में एंड में डू नॉट गेट रैंसिड, वो खराब ना हो जाए, ऑक्सीडाइज ना कर जाए, बैड स्मेल और बैड टेस्ट ना आ जाए. And 20th कहते हैं कि explain the following terms with one example, corrosion और rancidity, है ना? Corrosion क्या होता है? एक metal का अपना metallic luster lose करना slowly when it comes in contact with moist air. और rancidity क्या होता है? Food items जिसके अंदर fats and oils होते हैं वो open air में आकर ऑक्सीडाइज करके बैड स्मेल और बैड टेस्ट देते हैं. तो क्योंकि फूड आइटम खराब हो गई, वी कॉल इट एज रैंसिड, एंड फिनोमेना इज नोन एज रैंसिडिटी. तो आपको जो जो कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हो. तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही कर रहे हैं, और अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे.